student, today we are going to discuss the concept of the valence bond theory. Now, सबसे पहले valence bond theory के अंदर कुछ postulates हैं, वो हम discuss करने वाले हैं. Now, valence bond theory is deals to know the information about the paramagnetic, diamagnetic, magnetic moment and geometry and hybridization of coordination compounds. जिसके अंदर हमें हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट पता चलता है, ज्योमेट्री का कंसेप्ट यहाँ पे क्लियर होता है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक नेचर के बारे में हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पता चलता है. तो सम पोस्टुलेट्स हम सबसे पहले यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं. सो नाउ पोस्टुलेट्स ऑफ द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, सबसे पहले नंबर वन, इट डील्स टू नो मैग्नेटिक मोमेंट पैरामैग्नेटिक एंड डायमैग्नेटिक नेचर एंड ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जिसके अंदर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर और मैग्नेटिक मोमेंट्स एंड ज्योमेट्री के बारे में हमें इंफॉर्मेशन पता चलता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर. वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इट एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड coordinate bond between the central metal atom and ligand. Central metal atom and ligand. We know that in the coordination compound, the coordinate bond is formed between the central metal atom and ligand. इसका भी information हमें कहाँ से पता चलता है? Valence bond theory के अंदर से. How a coordinate bond can be formed between the central metal atom and ligand. Now, सेंट्रल मेटल एटम इन द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सेंट्रल मेटल एटम और आयन प्रोवाइड्स अ वैकेंट डी ऑर्बिटल, प्रोवाइड्स वैकेंट डी ऑर्बिटल. इसके अंदर हमें सेंट्रल मेटल एटम हमें वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रोवाइड करके देता है, तो लिगैंड प्रोवाइड्स अ फिल्ड ऑर्बिटल, प्रोवाइड्स फिल्ड ऑर्बिटल. वी नो दैट लिगैंड्स यहाँ पे हमें फिल्ड ऑर्बिटल प्रोवाइड कर रहा है, बिकॉज लिगैंड्स आर डोनर एटम्स, लिगैंड्स के पास डोनर एटम होता है, इट डोनेट्स द इलेक्ट्रॉन पेयर और इट डोनेट्स द लोन पेयर, ये आपको पता होना चाहिए. नंबर फोर, द वैकेंट डी ऑर्बिटल, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अलोंग विथ S and P orbitals are of metal ion, take part in hybridization. Central metal atom का जो vacant d orbital है उसी के साथ साथ s orbital और p orbitals जो central metal atom के अंदर vacant हो गए, they all are take part in the hybridization. Now, point number 5 postulates इसके अंदर आता है, a number of vacant orbitals take part in hybridization equals to number of ligands donor atoms. इसका मतलब सेंट्रल मेटल एटम
एटम जो वैकेंट ऑर्बिटल हमें प्रोवाइड करके देने वाले हैं, ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? हाउ मेनी नंबर ऑफ लिगैंड्स डोनर एटम्स इज अटैच टू द सेंट्रल मेटल एटम, इतने लिगैंड सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होंगे उसी के हिसाब से हमारे सामने वैकेंटरी ऑर्बिटल यहाँ पे क्या होंगे, प्रोवाइड किया जाएगा सेंट्रल मेटल एटम के थ्रू। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 6 में, नाउ n माइनस 1 डी और एनडी ऑर्बिटल्स, एनडी ऑर्बिटल्स यूज इन हाइब्रिडाइजेशन, अगर n माइनस 1 एंड एनडी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में यूज किए जाते हैं, देन द कॉम्प्लेक्सेस टू बी क्लासिफाइड एज classified as outer orbital complexes, outer orbital complexes or inner orbital complexes, inner orbital complexes। इसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे डिस्कस करते हैं। नाउ अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल में से एन माइनस वन डी ऑर्बिटल और एन डी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में यूज किया जाता है तो कॉम्प्लेक्सेस दो इसमें क्लासिफाइड हो जाते हैं, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस एंड इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। सो सबसे पहले हम देखते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस के बारे में। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस इज आल्सो नोन एज द लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इसे ही हम क्या कहते हैं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस में जो इनर डी ऑर्बिटल इसका मतलब कि n माइनस 1 डी ऑर्बिटल अगर हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, देन इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज, उसे हम इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेते हैं 3d, वी नो डी ऑर्बिटल्स आर 5, 1, 2, 3, 4, 5, 3d, 4s, 4p, p ऑर्बिटल्स 3 होते हैं एंड 4d, इस तरह से हम यहाँ पे ले रहे हैं। नाउ n की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो, आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है 4, n की वैल्यू यहाँ पे आती है 4, सो 4d ऑर्बिटल है सेंट्रल मेटल एटम का, जो 4d ऑर्बिटल यहाँ पे नहीं है, 4 माइनस 1, देखो n माइनस 1 ऑर्बिटल है, 4 माइनस 1 कौन सा ऑर्बिटल है, 3d ऑर्बिटल। अगर 3d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर तो इससे जो भी कॉम्प्लेक्सेस बनेंगे इस कॉम्प्लेक्सेस को हम कहते हैं इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। तो यहाँ पे आप हाइब्रिडाइजेशन देख सकते हो dsp3, यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनता है dsp3 हाइब्रिडाइजेशन, d ऑर्बिटल 1 है, s ऑर्बिटल 1 है और p के 3 ऑर्बिटल है, तो दिस कॉम्प्लेक्सेस आर नोन एज इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। पॉइंट नंबर 8 में हम देखते हैं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस आर आल्सो नोन एज हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस, इसे ही हम क्या कहते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस में इसका मतलब ये है यहाँ पे क्या होगा, आउटर डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। आउटर डी ऑर्बिटल का मतलब एनडी ऑर्बिटल अगर पार्टिसिपेट करता है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर, टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन, देन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस नोन देयर, उनको हम आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे। इसका एग्जांपल देखो, अगेन 3d, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, 4s, उसके बाद है 4p और उसके बाद है 4d। अब यहां पे जो डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट होने वाला है हाइब्रिडाइजेशन के अंदर वो एनडी होने वाला है, इसका मतलब एन की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4, इसका मतलब 4 प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये 4d यहाँ पे जब पार्टिसिपेट होता है तो उसकी वजह से जो भी यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन बनेगा, सो दिस हाइब्रिडाइजेशन इज नोन एज आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, sp3 डी हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे बनेगा। आपको डायरेक्टली हाइब्रिडाइजेशन के राइटिंग से भी पता चलता है, डी पहले आया है इसका मतलब इनर, डी बाद में आया है इसका मतलब आउटर। नाउ इसके बाद हम सम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। नाउ अ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आप यहाँ पे देख सकते हो, अकॉर्डिंग टू दी स्पेक्ट्रोकेमिकल
electrical series, a carbon monoxide is a more reactive ligand या strong ligand है, इसके basis पे हमें यहाँ पे study करना है. जैसे MH3 जो होता है इस spectrochemical series के अंदर, it is average ligand, इसे हम average ligand कहते हैं. Now, और ये जो है कार्बन मोनोऑक्साइड साइनाइड, इट इज अ स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड, ये यहाँ पे है स्ट्रॉन्ग फिल लिगैंड. और ये जो है पिरिडीन वाटर हैलाइड्स आर वीक फिल लिगैंड. ये कंसेप्ट भी आपको पता होना चाहिए. ये जो एवरेज लिगैंड है NH3, इट इज बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फिल, इट इज ऑल्सो बिहेव एज अ वीक फिल. कब ये स्ट्रॉन्ग फील की तरह बिहेव करेगा और कब ये वीक फील की तरह बिहेव करेगा. सो बिहेव एज अ स्ट्रॉन्ग फील लिगैंड, बिहेव एज स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड. ये कब स्ट्रॉन्ग फील लिगैंड की तरह बिहेव करेगा, और इट इज आल्सो बिहेव एज अ वीक फील लिगैंड, बिहेव एज वीक फील लिगैंड. ये वीक फील लिगैंड की तरह भी बिहेव करता है. देखो अमोनिया जो है वो एवरेज लिगैंड है, ये स्ट्रॉन्ग फील लिगैंड कब यहाँ पे बिहेव करेगा. व्हेन अमोनिया इज अटैच्ड टू द सेंट्रल मेटल एटम लाइक आयरन कोबाल्ट कॉपर कैडमियम, इस तरह के सेंट्रल मेटल एटम को जब वो अटैच रहेगा तो वो स्ट्रॉन्ग फील की तरह बिहेव करेगा. रेस्ट ऑफ द मेटल्स इनको छोड़ के अगर किसी दूसरे मेटल्स के साथ जब अमोनिया अटैच रहेगा तब ये वीक फील लिगैंड की तरह बिहेव करेगा. जैसे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर हमें यहाँ पे और एक कंसेप्ट आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, व्हेन इट बिहेव्स एज अ स्ट्रॉन्ग फील लिगैंड, जब स्ट्रॉन्ग फील लिगैंड की तरह अमोनिया बिहेव करेगा, या स्ट्रॉन्ग फील लिगैंड अगर किसी सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होगा उस वक्त, देन इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग टेक्स प्लेस. देन इलेक्ट्रॉन्स पेयरिंग टेक्स प्लेस. सेंट्रल मेटल एटम के वैलेंट ऑर्बिटल यानी जो प्रोवाइड करके देने वाला है वहां पे जब उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो पेयरिंग करेंगे, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. नाउ इट इज बिहेव एज अ वीक फील लिगैंड, जब वीक फील लिगैंड की तरह अमोनिया बिहेव करेगा, या ये बाकी के वीक फील लिगैंड अगर सेंट्रल मेटल एटम को अटैच होंगे उस वक्त इलेक्ट्रॉन्स रिमेन्स एज इट इज इन ऑर्बिटल, जैसे है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिटल में रहेंगे, यानी वो पेयरिंग नहीं करेंगे. ये दो कंसेप्ट भी आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है. इसी के बेसिस पे भी लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस और हाई स्पिन कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बनता है, इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से लर्न करके रखना है. उसी के साथ साथ आपको एक ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन का कंसेप्ट अकॉर्डिंग टू द कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे दिया है. जैसे 3 कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल प्लेनर और हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2. टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री एंड स्क्वायर प्लेनर, उसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3 एंड dsp2. ट्राइगोनल बाय पिरामिडल कोऑर्डिनेशन नंबर 5 का, और स्क्वायर प्लेनर पिरामिडल इसका ज्योमेट्री है dsp3 एंड dsp3. इस तरह से यहाँ पे आपको sp3d इस तरह से इनकी ज्योमेट्री होगी. स्क्वायर प्लेनर बाय पिरामिडल में sp3d2, जैसे d2 है तो इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस कहेंगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस, और इसको ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री भी बोला जाता है. d2sp3 है तो ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस होंगे यहाँ पे. तो इस तरह से आपको सारी बातें यहाँ पे ध्यान में रखना है. और पेंटागोनल बायपिरामिडल जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 7 है, उनका हाइब्रिडाइजेशन है sp3d3. तो इसके कुछ एग्जांपल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे.